बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और आदाब अर्ज़ नाज़रीन व सामईन। बसीरत और बसारत यानी दानाई और बिनाई दोनों खुदा की बेमिसाल नेमतों में से एक हैं। अंधापन चाहे आँख का हो या दिल का, इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान का सबब हो सकता है। आँखों जैसी नेमत का छिन जाना या इससे महरूम हो जाने का तसव्वुर भी बहुत सों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता। आँखों की जितनी भी बीमारियाँ हैं, जितने भी अमराज हैं, कितने ही अमराज क्यों ना हो, इन सब की सबसे आखिरी और खौफनाक पेचीदगी यानी कॉम्प्लिकेशन अंधापन यानी ब्लाइंडनेस ही हो सकता है। देखिए, बहुत सी चीज़ें हमारे खालिक व मालिक ने हमारे इख्तियार में दी हैं, सो ऐसी नाबीनाई जिसके होने से पहले ही एहतियात करके इससे बचा जा सके और इंसान फिर भी लापरवाही बरते, केयरलेस रहे, परहेज ना करे, तो फिर इसमें तकदीर को तो कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। आज हम जिक्र करेंगे आँखों के एक ऐसे मसले का जो हर गली मोहल्ले में, खानदान बल्कि हर घर में कभी ना कभी ज़रूर मौजूद होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोतिये की। मोतिया यानी इंग्लिश में जिसे कैटारेक्ट कहते हैं। मोतिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या आपको सफ़ेद मोतिये और काले मोतिये का फ़र्क मालूम है? अमराज चश्म में मोतिया बंद पाकिस्तान में अंधेपन की एक बड़ी वजह है, बल्कि बहुत बड़ी वजूहत में से एक है, मोस्ट कॉमन रीजंस में से एक है। इसे आम तौर पर सफ़ेद मोतिया कहा जाता है या इंग्लिश में या मेडिकल में जिसे कैटारेक्ट कहते हैं। इस मर्ज में हमारी आँख के अंदर मौजूद अदसे यानी लेंस पर एक पर्दा, बारीक सा धुंधला सा पर्दा नमूदार हो जाता है, गदला सा पर्दा नमूदार हो जाता है, जिससे देखने का अमल मुतासर होता है और इंसान धुंधलेपन की शिकायत करता है। आम हालात में हम जब मोतिये की बात करते हैं तो इससे हमारी मुराद सफ़ेद मोतिया ही होता है, लेकिन एक और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज भी हो सकता है जिसे काला मोतिया कहते हैं, लेकिन ये इतना आम नहीं। सो सफ़ेद मोतिये की आम अलामत क्या हो सकती हैं, साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चले कि इंसान को एहसास हो कि अब जो मेरे अंदर मेरी आँख में अलामत हो रही हैं, मुझे अब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, और ये सीढ़ियाँ हो सकती हैं सफ़ेद मोतिये के मुकम्मल मैच्योर होने की तरफ। अलामत की बात कर लेते हैं। पहली अलामत है धुंधलापन और कम दिखाई देना, रात को देखने में दुश्वारी का सामना, आँखों की हसासियत में इजाफा यानी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, रोशनी और चकाचौन, ज़रा सी चकाचौन से आँखें आपको जो है वो बिल्कुल भेजनी पड़ती हैं, रोशनी का फैलना या बर्की कुमकुमों के गिर्द हाला सर्कल्स बन जाना और दायरे दिखाई देना, अक्सर एक आंख से दोहरा नज़र आना जिसे इंग्लिश में आप डबल विजन कहते हैं, रोशनी और किसी चमकती हुई चीज़ को दुरुस्त तरीके से देखने में मुश्किल पेश आना, मताला यानी स्टडी करते हुए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत महसूस करना यानी अंधेरा छा जाने की कैफियत महसूस करना। किसी मरीज़ की शिकायत ये भी होती है कि चीज़ें फैली फैली नज़र आती हैं और साइज़ से बड़ी नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा चमक महसूस होती है, ख़ास तौर पर रात को ड्राइविंग करते हुए रोशनियाँ फैल जाती हैं, जिससे इंसान के लिए गाड़ी चलाना या मोटरसाइकिल चलाना एक अजाब बन जाता है। बुज़ुर्गों के लिए तो रात को घर से निकलना बहुत ही दुश्वार कुन हो जाता है। बाज़ औक़ात किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके साथ एक या एक से ज़्यादा साए नज़र आने लगते हैं, चांद दो दो नज़र आते हैं, चीज़ों पर धब्बे जिन्हें इंग्लिश में फ्लोटर्स कहते हैं, वो बारीक बारीक धब्बे और निशानात नज़र आने लगते हैं, और नज़दीक की चीज़ों पर भी नज़र मरकूज करना, फोकस करना मुश्किल हो जाता है। बैरूनी तौर पर भी मरीज़ की आँख की शक्ल भी एक ख़ास तब्दीली इसमें आ जाती है, यानी जब आप उसकी आँख को बाहर से गौर से देखेंगे तो आँख की पुतली का रंग गदला या सफ़ेद नज़र आने लगता है। मोतिये के फैलने की रफ्तार सुस्त होती है, मगर वक्त के साथ साथ नज़र का ये धुंधलापन तकलीफदेह साबित होने लगता है, तब माहिर मुआलिज मरीज़ को सर्जरी करवाने का मशवरा देता है। याद रखिए, आँख के स्पेशलिस्ट को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, माहिर अमराज चश्म। कौन कौन से लोग मोतिये के ज़्यादा रिस्क पर होते हैं? 40 साल से ज़ायद उम्र के 50% अफराद, 50% लोग या तो मोतिये की बीमारी का शिकार हो चुके होते हैं या इस बीमारी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। इस बीमारी को मौरूसी और बढ़ती उम्र की बीमारी भी कहा जाता है, यानी फैमिली हिस्ट्री और जीन्स यानी ख़ानदानी बीमारी हो सकती है और बढ़ती उम्र इसके रिस्क में इजाफा करते हैं। साथ ही अल्ट्रा वायलेट शुआएँ,
जो मोबाइल में लाइट में सन लाइट में सूरज की रोशनी में होती हैं और गैर मुनासिब ग़िज़ा यानी इम्बैलेंस डाइट भी इस बीमारी की अहम वजूहत हैं। इलाज क्या है? मोतिये का मेडिकल नुक्ता नज़र से वाहिद द वन एंड ओनली ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट वाहिद इलाज जो है वो ऑपरेशन या सर्जरी है। रिवायती सर्जरी अब बहुत महदूद हो गई है जिसे आप उर्दू में जर्राही कहते हैं, जिसमें काटा पीटी होती थी और उसकी जगह अब जदीद लेज़र प्रोसीजर ने ले ली है। ऑपरेशन के लिए अलामात जाहिर होने के 6 माह से 1 साल के अंदर तक का वक्त मुनासिब होता है। इससे इलाज का नतीजा यानी रिजल्ट अच्छा मिलता है, वरना ताखीर की सूरत में डिले की सूरत में मोतिया काला पानी बन जाता है जिसे आप ग्लोकोमा कहते हैं और वो बहुत सीरियस कंडीशन होती है। सो जल्द अज जल्द लेज़र आई कैटरेक्ट तरीके इलाज करवा लेना चाहिए। ये बगैर सर्जरी और बगैर ब्लेड के किया जाता है, कोई काटा पीटी नहीं होती, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, जबकि इस तरीके इलाज के दौरान यह सिर्फ 5 से 10 मिनट होता है। जी हाँ, सिर्फ 5 से 10 मिनट्स में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं होना पड़ता। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, आप सुबह जाते हैं और दोपहर तक आ जाते हैं। इस तरीके इलाज की कामयाबी 99% है। अप टू 99% लोगों में ये पहली दफ़ा में ही ये लेज़र प्रोसीजर कामयाब हो जाता है और उनका जो मोतिया है वो रिमूव कर दिया जाता है। इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद हम बहुत मज़ेदार क्वेश्चन और आंसर से के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, खुश आमदेद। हाँ, और हम बात कर रहे हैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले की जिससे बिनाई डायरेक्टली मुतासर होती है, यानी मोतिये की, कैटरक्ट की। इस हवाले से अब हम सवाल और जवाबात लेंगे, सवालात लेंगे और उनके जवाबात देंगे। पहला सवाल है लाहौर से अकमल दुर्रानी का। अकमल दुर्रानी पूछते हैं कि काला मोतिया क्या होता है? जी हाँ, काला मोतिया जिसे इंग्लिश में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप ग्लोकोमा कहते हैं, अगर मोतिया जो आम मोतिया होता है, सफ़ेद मोतिया बंद जिसे कहते हैं, अगर मोतिया की बीमारी यानी कैटरक्ट की बीमारी पर तवज्जो ना दी जाए तो ये वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करके काले पानी या काले मोती की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसका इलाज ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। इस मौके पर किसी भी तरीके इलाज के ज़रिए बीनाई वापस नहीं आ सकती। एक दफ़ा बीनाई चली गई, इट्स गॉन फॉर एवर, खुदा ना खास्ता। सो ग्लोकोमा या काला मोतिया नामी मर्ज में आँख की बैरूनी जो परत होती है, लेयर्स होती हैं, उन पर पड़ने वाले प्रेशर यानी दबाव की वजह से आँख में खराबियाँ पैदा होने लगती हैं और किसी चीज़ को देखने में खलल वाकई होने लगता है, डिस्टर्बेंस होती है, इंटरफेरेंस होता है। काले मोतिये में बसारत से, बीनाई से दिमाग को मालूमात मुंतकिल करने वाले आसाब काम करना छोड़ने लगते हैं। इब्तिदा में नज़र कमज़ोर होती है और बाद में इंसान बीनाई से मुकम्मल तौर पर महरूम हो सकता है। अगला सवाल है कराची से सनम अख्तर का। सनम अख्तर पूछती हैं कि क्या मोतिये का ऑपरेशन मोतिया पकने के बाद करवा लेना चाहिए? ये मोतिया पकना भी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग इस्तेलाह है। मोतिया जैसे कोई आम है कि उसको आपने पाल रख दिया और वो पकने का इंतज़ार कर रहे हैं। खैर, इसको इंग्लिश में कैटरक्ट मैच्योर होना कहते हैं। देखिए, लोगों में ये भी गलत फहमी है कि जब मोतिया अच्छी तरह पक जाता है तब ऑपरेशन करवाना चाहिए या उन्हें ऐसा करने का मशवरा दिया जाता है। ये सरासर गलत है। मोतिया ज़्यादा पक जाने की सूरत में इलाज में दुश्वारी होती है और इससे काला मोतिया जो कॉम्प्लिकेशन है सफ़ेद मोतिये की, पेचीदगी है सफ़ेद मोतिये की, उसके होने का ख़दशा भी बढ़ जाता है। सो ज़रूरी है सूनर द बेटर कि वो अफराद जिनकी बिनाई कम है या तेज़ रोशनी में आँखें चुंधिया जाती हैं, वो ख़ुद किसी किस्म का इलाज करने या आँखों में अरके गुलाब डालने के बजाय फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। एक बात और, हम सबको ये जुमला अजबर है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन हम और आप ये बेहतर जानते हैं, बल्कि हम इस पर अमल करने में कितनी कोताही करते हैं। और जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है और खुदा ना खास्ता वो काले पानी में बदल जाता है, काले मोती में बदल जाता है, तब डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। अगर हम अपनी आँखों का मुआयना, चेकअप हर 6 माह बाद करवा लें या ख़ुद करना सीख लें तो शायद किसी बड़ी परेशानी से बच जाएँ या उसे मज़ीद पेचीदा होने से बचा लें, क्योंकि उम्र ढलने के साथ साथ होने वाली आंखों की बड़ी बीमारियां जैसे काला या सफ़ेद मोतिया पहले से बता कर नहीं आती।
जिस तरह हर 6 माह बाद आप दांतों के चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं, इसी तरह आपको और आपकी फैमिली को बाकायदगी से माहिर अमराज चश्म के पास जाने की ज़रूरत होती है। इससे आपको अपनी और अपने घर वालों की आंखों की पेशगी हिफाजत करने में मदद मिलती है। आंखों के मुआयने से काला मोतिया का पता चलाने में भी मदद मिलती है, जिसकी कोई अलामत नहीं होती। अगर इसको इब्तदाई मराहिल में तशखीस कर लिया जाए, डायग्नोस कर लिया जाए, तो इसका इलाज बहुत आसान होता है। अगला सवाल कराची ही से आरिफ करीम साहब पूछते हैं कि मरीज को किन अलामतों से पता चलता है कि सफ़ेद मोतिया बहुत पक गया है। सो सबसे पहली बात तो यह है कि पहले लोग इसलिए इन सवालों के पीछे पड़े हुए होते थे कि जब मोतिया पकेगा तो फिर इसकी सर्जरी करवानी है, फिर इसका ऑपरेशन करवाना है। अब उसूल यह है जदीद मेडिकल रिसर्च की रोशनी में कि जल्द से जल्द ऑपरेशन हो जाना चाहिए, लेट करने का नुकसान ही नुकसान है। बहरहाल अभी भी कई ऐसे सियाने मौजूद हैं जो ऑपरेशन के मामले को लटकाते रहते हैं, टालते रहते हैं। चुनांचे जब मोतिया बहुत ज़्यादा पक जाता है तो कई लोगों की आँख में सोजिश रहने लगती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वर्म हो जाता है, जिससे आँख सुर्ख हो जाती है, आँख में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आँख में दर्द होने लगता है, पानी बहने लगता है, आँख का दबाव बढ़ने लगता है। इस सूरत में दर्द बहुत शदीद होता है, ये काला मोतिया की एक किस्म भी हो सकता है। सो देर मत कीजिए, आँख का मामला है, जल्द से जल्द अपने मुआलिज से रुजू कीजिए। ख़ुद भी अपनी आँख का मुआयना करते रहिए। जब आप रोज़ाना कंघी करते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, आप खातून हैं और अपने मेकअप करती हैं, तो अपनी आँखों के लेंस का रोज़ाना डेली बेसिस पे रेगुलरिटी के साथ मुआयना करते रहें, क्योंकि मोतिया जो है वो ख़ासतौर पर अगर आपकी उम्र जो है वो 40 साल से ऊपर है तो फिर तैयार रही, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन्स का इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ गया, इस्तेमाल बढ़ गया है कि लोग जो हैं वो इसकी अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से उनमें मोतिये की अलामत बहुत ज़्यादा एक तो फ्रिक्वेंटली हो रही है और बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही है और वक्त से पहले हो रही है। ऐसे ऐसे भी केसेस देखे गए प्रैक्टिस में कि इंसान की उम्र जो है वो लेट 20s में है या 30s में है और अनफॉर्चुनेटली उनको मोतिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो अगेन, एहतियात इलाज से बेहतर है, जैसा हम हमेशा कहते हैं, द सूनर द बेटर। जल्द से जल्द कोई भी अलामत हो, आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाए या आपको फ्लोटर्स नज़र आने शुरू हो जाएं, छोटे छोटे नुक्ते जो होते हैं, जिधर आप नज़र घुमाते हैं उधर ही वो नुक्ते जाते हैं, अगर ये चीज़ आपको खुदा ना खास्ता हो रही है तो घबराने की बात नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ विजिट योर आई स्पेशलिस्ट, आई डॉक्टर को विजिट कीजिए और फिर वो आपकी आँख का मुआयना करके बताएगा कि वेदर इट्स मोतिया, कैटरक या खुदा ना खास्ता कोई और चीज़ है। लेकिन अगेन, मोर देन 90% केसेस में ये काबिल इलाज है और बआसानी क्योर हो जाता है। इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद हम हाजिर होंगे आई डाइट के साथ, उस खुराक के साथ, उस गज़ा के साथ जिसको इस्तेमाल करके आप मोतिया समेत बहुत सारी बिनाई के अमराज के हवाले से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। इस प्रोग्राम के शुरू में हमने आंखों और बिनाई के हवाले से एक आम कॉमन लेकिन अहम बीमारी की बात की थी, यानी मोतिया, जिसको कैटरेक्ट भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी ग़िज़ा, अपनी खुराक, अपने खानों के ज़रिए, अपनी फूड्स के ज़रिए मोतिये के रिस्क को या कम अज़ कम कर सकते हैं या आहिस्ता कर सकते हैं। एक नई रिसर्च तिब्बी तहक़ीक़ के मुताबिक डबल रोटी और सीरियल्स का ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ास तौर पर अगर ये वाइट फ्लावर यानी सफ़ेद आटे की हो, तो ये भी बिनाई की कमज़ोरी का सबब बनता है। इसकी वजह यह है कि ऐसे लोगों में इंसुलिन की सतह ब्लड में, खून में बहुत ज़्यादा और बार बार बढ़ती है, जिसका ताल्लुक हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से भी होता है। सो बेहतर यह है कि होल ग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करें, भूसी वाली ब्रेड इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें और चावलों में ब्राउन राइस का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ ऐसी डाइट जिसमें एनिमल प्रोटीन जैसे अंडे, दूध, मक्खन, पनीर और ख़ासकर कोई भी गोश्त और मछली ज़्यादा हो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ना कि ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। सो दूर की नज़र की कमज़ोरी के रिस्क के को कम करने के हवाले से या
कैटरेक्ट यानी मोतिये को काबू में रखने के हवाले से आपको विटामिन डी और प्रोटीन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए, और ऐसी डाइट कम लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और खासकर चीनी शामिल हो, शक्कर शामिल हो। और हाँ, अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है, आप ओबीस हैं या ओवरवेट हैं, तब भी नजर की कमजोरी का रिस्क बढ़ जाता है, तो वजन कम करना इंपॉर्टेंट है। सो ऐसी डाइट जो वजन कम करे वो भी नजर को बेहतर करने में फायदेमंद हो सकती है। मॉडर्न तहकीक से ये बात साबित हुई है कि तीन वाइटामिन यानी ए, सी और ई, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ए, सी और ई का मोतिया होने का रिस्क कम करने में काफ़ी अहम रोल है। यानी वो तमाम चीज़ें जिनमें ये वाइटामिन मौजूद होते हैं उन्हें आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर मोतिये की बीमारी का रिस्क या इसकी शिद्दत, इसकी सीवियरिटी कम कर सकते हैं। इसके अलावा जीजेंथीन और ल्यूटीन दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी आँख में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारा जिस्म इनको खुद नहीं बनाता, सो हमें इनकी कमी को पूरा करने के लिए खुराक के तौर पर, गजा के तौर पर लेना पड़ता है, खाना पड़ता है। कई स्टडीज़ ने उम्र के साथ होने वाली ब्लाइंडनेस और मोतिये यानी कैटरक से बचाव के लिए इनके अहम किरदार को हाईलाइट किया है। जीजेंथीन को तो हमारे जिस्म के सनग्लासेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी आंखों को ब्लू लाइट या नीली रोशनी से बचाती है। ये नीली रोशनी ही है जो मोबाइल फोन्स और धूप में भी मौजूद होती है और आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जीजेंथीन और ल्यूटीन अंडों की जर्दी, पालक, सलाद पत्तों यानी लेटस, मकई यानी कॉर्न, हरी बंद गोभी यानी केल, करम कल्ला यानी कोलार्ड, मटर, रेड पेपर और ब्रोकली, और तुख मलंगा यानी बैसल सीड्स में पाई जाती है। अगर आप इनको सप्लीमेंट के तौर पर लेना चाहते हैं तो जीजेंथीन की रोज़ाना डोज कम से कम 2 मिलीग्राम और ल्यूटीन की रोज़ाना डोज कम से कम 10 मिलीग्राम बनती है। आखिर में बात हो जाए कुछ सप्लीमेंट्स की। जी हाँ, रिसर्च के मुताबिक वाइटामिन बी सीरीज, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, खुसूसन B1, B2, B3, B6, B9 जिसे फोलिक एसिड भी कहते हैं, और B12 आंखों की सेहत के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सो कोई भी अच्छा वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे सप्लीमेंट जिनमें जिंक भी मौजूद हो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिंक भी बिनाई को बरकरार रखने में मदद देता है। एक और सप्लीमेंट जिसका नाम है डिफ्रारेल ई, ये बाजार से मिलता है, इसका भी अहम किरदार है नज़र की कमज़ोरी और मोतिये से प्रोटेक्शन, बचाव के हवाले से। सो ग़िज़ा अच्छी हो, अच्छी तर्ज़ ज़िंदगी हो, आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी हो, और वर्जिश इख्तियार करके और नुकसानदेह आदात जैसे रात के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल और सिगरेट नोशी, स्मोकिंग, तम्बाकू नोशी, गुटखा, मावा वगैरह से बचकर आप अपनी आंखों को सेहतमंद रख सकते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचा भी सकते हैं। आइए अब आखिर में एक नज़र डालते हैं उस लिस्ट पर जिसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो आपकी आई साइट, आपके विजन, आपकी बिनाई के लिए, आपकी बसारत के लिए बहुत मुफीद हैं। फलों में पपीता, खुबानी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, कीवी, खरबूजा, टमाटर और मौसम्बी। सब्जियों में केल, कोलार्ड, बेल पेपर्स, शिमला मिर्च, शकरकंदी, तोरी, ब्रोकली, पालक, सलाद पत्ते, लहसुन, प्याज, चुकंदर, मटर, गाजर और मकई। अनाज में लोबिया, सूरजमुखी के बीज सनफ्लावर सीड्स, तुख मलंगा, छोले, चने, बादाम, पिस्ते, अखरोट, अंडे, हर तरह का गोश्त और खुसूसन बड़ी मछली जैसे सैल्मन कहते हैं, इसका गोश्त भी बहुत मुफीद है। सो बड़ी फैटी फिश भी आपको बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ओमेगा 3 फैटी एसिड ना सिर्फ आपके दिल, आपके अमराज कल्ब के हवाले से बहुत मुफीद है, बल्कि आपकी बिनाई के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद है। सो अगर आप वर्जिश भी अपने तर्ज ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, कम अज़ कम 5 दिन रोज़ाना 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, 40 मिनट तक ऐसी वर्जिश जैसे जॉगिंग है, स्विमिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, भागना है, दौड़ना है, या ब्रिस्क वॉक है, तेज़ तेज़ चलना है, इससे आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि एक तो आपको थकन का एहसास कम होगा और आप बहुत सारी बीमारियों जिनमें मोटापा, आर्ज़ कल्ब और बिनाई के अमराज जैसे मोतिया हैं, इनका रिस्क भी कम कर लेंगे, आप खुद महसूस करेंगे, फ़र्क साफ जाहिर होगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए मौजूद, एक नए सब्जेक्ट के साथ।
अपना और उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों का भी जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फी अमान अल्लाह।